स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है टी अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। ध्यान दीजिए टी की टी पे डिवाइड जो कर रहे हैं, टी को डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, यानी टी अपॉन 5 इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 10। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका है, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट क्या बोल रहा है, टी अपॉन 5, और राइट हैंड साइड का पार्ट क्या है 10। स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, ट्रांसपोर्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो राइट साइड पर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवाइड होता है तो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई बन जाता है। तो बिल्कुल हम यही इसमें अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहां से देखिए, यहां पर 5 का क्या हो रहा है, यहां पर 5 को 5 डिवाइड कर रहा है टी को, तो यानी टी अपॉन 5 है, तो क्या है टी इंटू क्या है 1/5 इक्वल टू क्या है 10। अब देखिए यहां पर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो हम उसे अगर मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 1/5 करके शो कर देंगे हम इक्वल टू 10। तो यहां पर ध्यान दीजिए 5 को जब हम राइट साइड पर, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव करेंगे तो डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा टी इक्वल टू 10। यहां पर देखिए डिवाइड हो रहा है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 × 5 इक्वल टू 50। तो t की जो वैल्यू है यानी वेरिएबल की जो हमसे वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू क्या आई है 50। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या निकल के आई है आपकी 50। अब हम अगर अपने क्वेश्चन को चेक करना चाहें कि आपका आंसर सही है या गलत है तो वेरीफाई करेंगे तो इक्वेशन में t के प्लेस पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 50, तो आपका राइट साइड का आंसर आपको आ जाना चाहिए। तो t की जगह हमने क्या पुट कर दिया 50 अपॉन ये वैल्यू क्या है 5। अगर हम इससे कैंसिल करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 10, तो यानी देखिए राइट साइड पर क्या है आपका 10 है, तो यानी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 7 में मिलते हैं।